हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और भाई आज है 5 मई और आज मशीन को खोलेंगे, ठीक है। तो अभी एक और आदमी आने वाला है, उसके बाद फिर शुरू करते हैं मशीन को खोलना। पहले मशीन है ना यहाँ से उठा कर वहाँ पे करनी पड़ेगी पेड़ के नीचे, क्योंकि दिन में धूप होती है और धूप में काम करना बहुत मुश्किल होता है। कल एक भाई का कमेंट आया था कि ये जो इसके कोयल है उसके बारे में बताओ आप। तो इसका जब अभी गियर बक्सा खुलेगा ना पूरा, उसके बाद मैं फिर आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, पर भी फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है, कि कौन सी कॉइल कौन से गियर के अंदर चलती है, ठीक है। तो अभी इसको मशीन को यहाँ से हटा के और फिर वहाँ पे करूँगा उस वाले पेड़ के नीचे, उसके बाद फिर ये खुलेगी। तो भाई मशीन मैंने कर दी यहाँ पे खड़ी पेड़ के नीचे, दो पेड़ है, ठीक है। A few moments later. मशीन हमने उठा दिए ऊपर, बड़े वाले गुटके हैं ना पिछले जो टायर के नीचे आएंगे, अगले वाले सपोर्ट भर दिए यहाँ पे ताकि ऊंची उठी रहे थोड़ी सी। भाई मशीन मैंने खोल दी है यहाँ से, ठीक है, और इसको जो ऊपर के जो बोल्ट आते हैं गियर बॉक्स से वो खोल दिए। और इसमें पता है ये प्रॉब्लम आई थी कि ये जो ऊपर वाले और जो साइड वाले बोल्ट होते हैं ना इनके गियर बॉक्स के ऊपर ये वाले, वो ढीले हो गए थे, उनमें इतना इतना गैप हो गया था, इतना इतना मतलब इतना गैप कि वो जो कट है चार्जिंग पंप वाला जो कट है वो वहाँ से आउट हो जाए, चैन कुप्पी सूतरेगा, ठीक है। नीचे जैसे पुराने वाले जो चार्जिंग पंप रखे हुए हैं इसकी जो सील है ना आउटर सील है, ये ओरिजिनल सील है बिल्कुल, जो कंपनी से आई हुई है ना वो। और मैं भाई अभी इसका जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसको ड्रेन करूँगा, गियर ऑयल है उसको मैं अभी रहने दूंगा इसके अंदर अभी, ठीक है, क्योंकि अगर वो चार्जिंग पंप अगर सही हुआ ना तो फिर उसका जो गियर ऑयल है वो वैसे ही उसकी सर्विस कर दूंगा एक बार बस, ठीक। तो भाई ने इसका जो हाइड्रोलिक ऑयल है ड्रेन कर दिया। यहाँ पे इसका ड्रेन प्लग होता है, यहाँ पे एक पाइप होती है जो टंकी से पूरी ज्वाइंट होती है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, इस वाली मशीन की सर्विस हो रही है, तो अभी इसका इंजन ऑयल आया, वो बोल्ट कितना की आई है, 4300 की बाल्टी कौन है, 4300 की बाल्टी, अरे फिल्टर 500 रुपये का, फिल्टर 500 तो 45। डीजल वाला कितना का आया, वाटर सेपरेटर है तो स्टार्ट करिए चौक खेच। तो भाई इस वाली मशीन की सर्विस होगी पूरी, इसका जो ये इंजन ऑयल किर्लोस्कर का और इसका ये फिल्टर, ये दोनों चीज़ 4500 रुपये की आई है,
और ये जो डीजल फिल्टर है ना ये अलग से है। तो भाई हमारी वो वाली जो मशीन है टाटा वाली, उसका जो गेयर बॉक्स है ना वो कल खुलेगा, क्योंकि आज है ना चैन कुप्पी वो नहीं मिली आज, ठीक है। हमारे पास वो जैक भी है एक, वो वाला जो बड़ा वाला जैक होता है गेयर बॉक्स का, पर उससे वो नहीं होगा, उतारना बहुत मुश्किल है। तो इसमें सारा काम हो गया है, मैंने इसका जो ऑयल भी ड्रेन हो गया है और इसके जो बोल्ट होते हैं वो भी मैंने खोल दिए। अब सिर्फ ही उसको नीचे उतारना, गियर बॉक्स को साफ्ट मैंने हटा दिए गियर बॉक्स वाली, ठीक है। क्या सोचा था और क्या हो गया इसके अंदर, अगर मैं ये बोल्ट अगर पहले लेता इसके अंदर कि ये ढीले पड़े ये वाले बोल्ट जो इसके अंदर जो गियर बॉक्स बोल्ट है, तो ये पहले ही सही हो जाती। अभी इसका इनकी वजह से पूरा गियर बॉक्स बाहर खोलना पड़ेगा। तो भाई आज का व्लॉग था बस इतना ही, आज तो ये वो नहीं होगी, तो कल खोलेंगे इसको। तो मैं कल मिलता हूँ आपको शाम के, ठीक है। तो भाई वीडियो में अपनी सपोर्ट बनाए रखो प्लीज़ भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। आपसे यही विनती है मेरी।